भवानी मंडी राजस्थान की नगर पालिका के प्रांगण में एक सादे समारोह में पूर्व नाकेदार एवं वर्तमान बाबू गुरुदयाल सिंह गोयर आत्मज बाबूलाल जी गोयर का दिनांक 31 मई 2021 को अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। इस विदाई समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा की अध्यक्षता में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीणा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर पालिका के कई कर्मचारी व उनके साथी मौजूद रहे। गुरुदयाल सिंह गोयल ने अपनी ईमानदारी एवं बिना किसी दबाव के अपनी सेवा नगर पालिका भवानी मंडी राजस्थान में दी। वे विभिन्न पदों पर रहकर सभी पदों की गरिमा को कायम रखते हुए आज वेदांत सेवा निवृत्त हुए। सम्मान श्री कैलाश जी बड़ा साहब द्वारा भी जो नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय हैं, ये सराहनीय सेवाएं हैं जो आज आपके सामने सिंचाई की ओर दिखाई दे रही हैं। हाथ लगाओ। ये नगर पालिका की ओर से जो सेवाएं दी गई हैं, इसी के साथ अधिशासी अधिकारी जी महोदय के द्वारा तिलक निकालकर अक्षय लगाकर माला पहनाकर विदाई की ओर बहुत सत्याल जी ने पूरी निष्ठा से काम किया और हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने की टीम के अंदर क्षमता थी। वो किसी भी तरह के दबाव में उन्होंने कोई नौकरी नहीं की और हमेशा अपने ऑफिस के प्रति पूरी निष्ठा से काम किया, हमेशा अपने अधिकारी का साथ दिया बिना किसी दबाव के। उनका कार्यकाल बेहतरीन रहा और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय भी ईश्वर इनको बरकत दे, उनका स्वास्थ्य सही रहे और समाज को नगर पालिका को उनका मार्गदर्शन उनके अनुभव का लाभ मिलता रहे। जय हिंद। जिंदगी के लिए दो सकता है आज का दिन जो है हम नगर पालिका बन रहे हैं। गुजार जी ने नगर पालिका में काम किया है, नगर का पहले बोर्ड में बहुत ही अच्छे काम किया है और जिस डिपार्टमेंट रखा था नाकेदार भी रहे, उनकी छा भी रही, जो भी काम के बहुत ही ईमानदारी से टाइम के अंदर काम में लाता हुए दिए हैं। उनको अनुशासन तरीके से हमने हमारे काम किया, मुझे इनके डिपार्टमेंट जितने भी लाइट के डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, ब्लॉक ऑफिस के कर्मचारी से भी काम किया, लाइट के सामान जो देते रहे थे मंगाते भी टाइम से थे देते भी, तो भी वहाँ पर लाइट लगी वहाँ पर लगे कि वन नंबर कट्ठा हो दूर भी अच्छे जब हमारा गाँव में वन इंग्लिश शहर में कट्ठा और ट्रेनिंग में
लाइट में दुनिया आंधी जैसे ही कम होती लाइट में हम लोग मोबाइल देते हैं उनका कार्य सराही रहा। और मैं इसे ही कहना चाहता हूँ बिल्कुल जय जी रिटायर हो रहा हमारे यहाँ पर। रिटायर होने के बाद हमारे नगर पालिका में भी सहयोग करें और आपके समाज में भी आप सामाजिक कार्य देखें, समाज की सेवा करें और पूरे जो कोई आपके जो समाज के लोग हैं, भटके लोग हों, उनको अच्छे रास्ते पर ला रहे हैं। मेरा आपसे कहना नगर पालिका में अगर आपकी ज़रूरत होगी सभी सरकारी अधिकारी से आप मीटिंग मिलना होगा तो आपके लिए विचार करेंगे और आपसे वापस सेवा लेने की आपका कार्य सराहनीय था और आप भी बहुत ईमानदार आपका बहुत शुक्र लो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आपको लंबी उम्र दें, अच्छे कार्य स्वस्थ रहें आप और पूरे परिवार की देखभाल करें, समाज को संभालें, नगर पालिका भी जान इसमें साहब धन्यवाद देवी का दिन तो इसलिए है कि हर कर्मचारी ये चाहता है, विचार करता है, सोचता है कि जब भी मैं रिटायरमेंट हूं तो मैं जो भी मैंने प्राप्त किया है वो चीज मेरे हाथों में आए और उसी के जरिए मैं अपने परिवार को चलाने का प्रयास करूं। ईश्वर की असीम कृपा है, इनके माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है कि आज इन्होंने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये बड़ी खुशी का दिन है और सुख इस बात का है कि नेक और ईमानदार और कर्मठ कर्मचारी जो आज हमारे बीच से नगर पालिका से आज इनको विदाई दी जा रही है। इन्होंने हमेशा जो भी काम दिया है जैसे कि मेला है 15 अगस्त 26 जनवरी है, ये काम मिनटों का काम सेकंड में करके दिया है क्योंकि मैं भी इनके साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं भी एक छोटा सा कर्मचारी सफाई कर्मचारी, लेकिन इनके चरणों में रहकर जो मैंने प्राप्त किया है वो आप सबको ज्ञात है। सच नहीं है देखने पर खुशियाँ प्राप्त होती है और खुशियाँ प्राप्त करने पर दुख प्रकट होते हैं, ये एक वास्तविकता है। सम्मान श्री गुरुदेव सिंह जी मेरे प्रिय मित्र रहे, मेरे दोस्त रहे और मेरे डैडी भी रहे। 3 भूमिकाएं शायद आपको बहुत कम लोगों में मिलेगी, ऐसा भाग्य और नसीब था मेरा कि मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान था, गुंडा लफंगा चोर छक्का कौन सी चीज थी जो मुझमें नहीं थी, इन जैसा मैं छड़ में गया और आज मैं आपके सामने दो शब्द बोलने लायक बना। ऐसी कठिन परिस्थितियों में आज का जो माहौल चल रहा है नगर पालिका भवन मंडी का वो काफी दैनिक स्थिति में गंभीर स्थिति में है और ऐसी परिस्थिति में एक नेक और ईमानदार व्यक्ति का रिटायरमेंट होने जा रहा जिन्होंने चुंगी नाका में काम किया, पहले नाकेदार थे फिर नाकेदार के बाद इन्हें लाइनमैन का काम संभाला गया और भी कई ऐसे कार्य किए इन्होंने जब कोई नहीं होता था यहाँ पर, मैंने देखा है अपने अनुभव से भी और साथ भी रहा हूँ मैं। बिना चेयरमैन के बिना अधिकारी के इन्होंने पूरी नगर पालिका को लेकर ईमानदारी से चलाई है और कुछ कार्य को पूरा किया है जो कार्य आने वाला था, क्योंकि अनुभव एक वो चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती है, वो अनुभव परम सम्मान श्री गुरुदेव सिंह जी के पास था। हर कर्मचारी से हर बार यही कहते हैं कि कृपया कम से कम कुछ नहीं तो अपनी छुट्टियां तो बचा। तो परम सम्मान श्री गुरुदेव सिंह जी गोयल साहब ने अपनी पूरी टीम को छुट्टी बचाई है और एक एक छुट्टी का बहुमूल्य समय देकर आज उस पैसे को एकत्रित किया है, वो है 5 लाख
41,710 रुपए जो इनकी 300 छुट्टियों के बने हैं। इनके बच्चा इनके पीएफ राशि है 2,26,903 रुपए। इसी के साथ इनकी ग्रेच्युटी है 8,93,821 रुपया। इसी का टोटल मिलाकर हुए हैं 16,62,434 रुपए। ये इन्होंने नगर पालिका में बैठकर अपनी सेवाएं देकर जो राशि बनी है वो आप तक अवगत करा दी गई है।